हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्व इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उसके नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ तक देख चुके थे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने प्रूफ किया था एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो चलिए उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय ए फोर्स 12 न्यूटन एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 केजी। तो फोर्स दिया हुआ है 12 न्यूटन, मास है 3 केजी का, तो एफ बराबर एम ए, तो फोर्स है 12, मास हो गया 3, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो गया 12/3 यानी 4, तो एक्सेलरेशन आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द मास ऑफ द कार इज 1500 केजी। अब देखिए, मास दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी u जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो t बराबर 10 सेकेंड ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वेलोसिटी हमारा जो है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस से दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो है। जब भी क्वेश्चन में दिया रहे कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस से, इसका मतलब है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो है। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी तो पता है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए अब निकालना है अपने को क्या, फोर्स। तो फोर्स के लिए क्या चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो पता होना चाहिए, तो यहां से क्या किए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v पता था और a 10, तो 10 हो गया, तो यहां से a का वैल्यू 30/3 आया, यहां से एक्सेलरेशन निकल गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वी गेट f इक्वल टू ma, तो f पता था, मास पता था और एक्सेलरेशन हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट किया, तो 15/3 यानी 4500 न्यूटन निकल गया, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन था। अब हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। बोलता है कि वन बॉडी एग्जर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द सेकेंड बॉडी एग्जर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, ठीक है। Whenever one body exert a force on another body, the second body exert an equal and opposite force on the first body, ठीक है। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम लोग जनरली जब भी कोई पूछता है तो हम बोल देते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ हो गया। अब एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज बट दे एक्ट सिमल्टेनियसली ऑन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो वो कैंसिल आउट क्यों नहीं कर देता है, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगता है लेकिन वो एक टाइम में दो बॉडी पे काम करता है, एक बॉडी पे काम नहीं करता, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाता। अगर वो एक ही टाइम पर दोनों एक ही अगर ऑब्जेक्ट पे काम करता तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता, ठीक है। आगे आते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। पहले ही बताया है कि हमारा जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो टू डिफरेंट बॉडीज पे काम करता है, ठीक है। ये ग्राउंड है, अगर ये हमारा एक्शन फोर्स है ग्राउंड, ये अगर ब्लॉक इस पे एक्शन लगा रहा है इसका वेट, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा बॉक्स पे। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ, जेट एरोप्लेन यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, द केस ऑफ बोट एंड द सीट, ये भी क्या है एक्शन एंड रिएक्शन का है। द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग द कार्ट, ये सारे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है। कार्ट आगे की तरफ खींचता है ना, हॉर्स कार्ट को आगे की तरफ खींचता है, तो जो वॉक्स का पैर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है जिस कारण कार्ट पे आगे की तरफ धक्का लगाता है ग्राउंड और वो आगे की तरफ बढ़ते रहता है, ठीक है। ये था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब बात करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, दिस लॉ स्टेटेड एज मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये क्या बोलता है, मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, फोर्सेज आर एक्टिंग। याद रखिएगा, बोला कि अगर किसी सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है तो हम उस सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है, मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना।
और वेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेज आर एक्टिंग. ठीक है, अब इसका हम प्रूफ देखेंगे. चलिए, वेन द फोर्स एफ वन ऑफ द ट्रक एक्ट्स ऑन द कार फॉर ए टाइम टी देन द वेलोसिटी ऑफ कार चेंजेस फ्रॉम यू टू टू वी टू. तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो फोर्स क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलेरेशन, यानी एम टू इंटू वी टू माइनस यू टू बाई टी. ये इक्वेशन हमने वन माना. केस टू क्या बोलता है, वेन फोर्स एफ टू ऑफ द कार रिएक्ट्स ऑन द ट्रक फॉर द टाइम टी देन द वेलोसिटी ऑफ ट्रक चेंजेस यू वन टू बी वन. है ना, मतलब अगर उतने समय तक फोर्स लगाए उस पर तो उसका वेलोसिटी यू वन से चेंज होकर क्या हो गया, बी वन हो गया. तो अब यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है एफ वन वो कितना लगेगा सो देखिए. यहाँ पे एक्सेलेरेशन पहले निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो वी वन माइनस यू वन बाई टू, सॉरी टी, वी वन माइनस यू वन बाई टी. तो एफ टू क्या हो गया, एम वन इन टू वी वन माइनस यू वन बाई टी. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट. एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है. तो F1 और F2 तो इक्वल होगा बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, जिस कारण हमने यहाँ पे माइनस साइन यूज किया. तो पहले हमने फोर्स F1 निकाला था M2 into V2 minus U2 by T और F2 निकाला M1 minus V1 minus V2 by T. ठीक है, तो यहाँ से T कैंसिल हो जाएगा. अब मल्टीप्लाई कीजिए M2 V2 minus M2 U2, यहाँ से माइनस M1 V1 और माइनस माइनस प्लस M1 V1. अब ये वाला इधर शिफ्ट कीजिए तो M2 V2 और प्लस M1 V1 इक्वल टू M1 U1 ये है और ये वाला इधर आया तो M2 U2. यानी अगर सजा के लिखा जाए तो इसको पहले लिख दे और इसको बाद में. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ठीक है, यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तो वो टकराने से पहले जितना उसका मोमेंटम होगा टकराने के बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा. तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है, रॉकेट एंड जेट एरोप्लेन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. है ना, अब देखिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा. गन में अगर आप गन से बुलेट को दागा जाता है ना तो बुलेट क्या करता है, जिस वेलोसिटी से आगे निकलता है उतने ही वेलोसिटी से गन को पीछे की तरफ धक्का मारता है, लेकिन गन का मास इतना ज्यादा होता है कि अपने को वेलोसिटी पता नहीं चलता, उतना उतने तेजी से नहीं पता चलता. अब इसी को, जिस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ धक्का मारता है उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन. अब देखिए इनिशियल में गन का मास कैपिटल एम है, बुलेट का मास स्मॉल एम है. अब हमारा गन का इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ये बुलेट का भी इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या है, जीरो है. अब जैसे स्ट्राइगर दबाओगे क्या करेगा, गोली कुछ वेलोसिटी से बाहर की तरफ निकलेगा और क्या करेगा, गन का भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, वो देखते हैं क्या होगा. हमने मास मान लिया बुलेट का स्मॉल एम, गन का कैपिटल एम. वी वन हो गया वेलोसिटी ऑफ गन, वी टू हो गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट. तो इनिशियल में मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी दोनों का क्या है, जीरो है. मास इंटू गन का वेलोसिटी, मास इंटू बुलेट का वेलोसिटी, तो यहाँ से ये आया. अगर इसको इधर शिफ्ट कर दीजिएगा तो निगेटिव आ जाएगा और एम वी वन हो गया. तो वी वन क्या है, वी वन इक्वल टू एम वी टू बाई कैपिटल एम. और यहाँ पे एम स्मॉल एम किसका है, मास है बुलेट का, और स्मॉल वी टू जो है, वी टू जो है वो बुलेट का वेलोसिटी है. और इस वेलोसिटी से ये वी वन, ये इसी वेलोसिटी से वी वन क्या करेगा, बुलेट को पीछे की तरफ धक्का, गन को पीछे की तरफ धक्का देता. चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं. अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, है ना, गन ऑफ मास 6 केजी विथ ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन. मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम है तो उसको 1000 से भाग देके हमने क्या किया, 0.01 केजी कर दिया. ठीक है, अब वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 300 मीटर पर सेकेंड, तो मास ऑफ गन क्या हुआ, 6 केजी. अब रिक्वायर्ड वेलोसिटी अभी तो बात किए थे एम वी बाई एम, एम पता है और जिस वेलोसिटी से बुलेट जा रहा है वो 300 और मास ऑफ गन पता है, कैलकुलेट कर लिए 0.5 मीटर पर सेकेंड हमको क्या मिल गया, उसका वेलोसिटी मिल गया. इसी वेलोसिटी से बंदूक पीछे की तरफ रिक्वायर करेगा. ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन था. इस पर बहुत सारे कुछ न्यूमेरिकल्स है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स को हम वीडियो बना के डालेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे.
और तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बताएं कि क्या चल रहा है, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा हो तो, और नहीं लग रहा हो तो भी कमेंट में करके बताएं कि क्या कमी है, उसको जरूर दूर किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।